वेलकम टू यंग मैन माइंड्स। अब से कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ गोवा। 3,701 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जगह भारत की नहीं बल्कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। नेशनल ज्योग्राफिक के टॉप 10 नाइट लाइफ सिटीज में गोवा को 6th रैंक दिया गया है। गोवा में लगभग 50 बीचेस हैं, जिसमें से 21 नॉर्थ में और 29 साउथ गोवा में पाएंगे। बागा और कैलंगुट इसमें से सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में से एक है। गोवा की लगभग आबादी 6 लाख है और यहाँ हर साल लगभग 56 लाख टूरिस्ट विजिट करते हैं, जिसमें से 50 लाख भारतीय और 6 लाख विदेशी होते हैं। अगर गोवा टूरिज्म के स्टैटिस्टिक्स पर देखें तो लगभग 55% रशियंस और 19% यूरोपियंस पाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि गोवा में एवरेजली भारतीय 3 से 4 दिन और विदेशी 10 से 12 दिन अपने वैकेशंस बिताते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल टूरिस्ट लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च कर डालते हैं। इतनी भारी तादाद में टूरिस्ट होने के बावजूद इसके क्राइम रेट दिल्ली के मुकाबले काफी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रात और दिन दोनों के लिए सेफ डिक्लेयर किया है। गोवा बीचेस की एक अलग ही खासियत है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पे एक अलग ही फ्लेवर आपको मिलेंगे। अगर आप गोवा के एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइट्स में विजिट करेंगे तो आपको कई सारे विदेशी 10 से 12 साल से यहाँ रहते हुए दिखेंगे। नवंबर और मार्च के बीच कई सारे गोवा बीचेस में वीकेंड्स के टाइम पे आपको लॉन्ग नाइट पार्टीज मिलेंगे। गोवा में आके कुछ दिन रहना इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आपने अभी तक गोवा विजिट नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप यहाँ एक बार जरूर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यंग मैन माइंड्स पे रेगुलर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।